आपने हमेशा गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाके आपने कैनवा का फ्री लिखना है, ठीक है। आपने लिखना है फ्री कैनवा लोगोज, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखते तो क्या होगा, आप कैनवा की साइट पे जब जाएंगे तो आप लोगों को जो मतलब खुलेंगे ना, आपके पास लिंक्स खुलेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो वो वाटरमार्क लगा देगा, ठीक है। तो हम हाँ जी कैनवा लिख देगा, ठीक है। तो अगर उस चीज़ से आप बचना चाहते हैं और फ्री टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखें फ्री एंड कस्टमाइजेबल प्रोफेशनल लोगो टेम्पलेट्स, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके लोगो टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये होती है लोगो पिक। अभी ये जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे ना लोगो क्या होता है, लोगो में और एक नॉर्मल पिक्चर के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो अब ये लोगोज हैं, आपने ये लोगोज कस्टमाइज़ करने का मतलब क्या होता है, एक बनी बनाई चीज़ आपको मिल रही है एंड यू हैव टू चेंज इट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैंने ये लोगो ले लिया, ठीक है, मुझे इसको कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कैनवा को ओपन किया है ना तो वो आपको हमेशा ये ऑप्शन देगा, ठीक है। और उसके बाद आपको फ्रीली डाउनलोड भी करने देगा। और अगर आप डायरेक्टली जाके खुद से करते हैं तो फिर नहीं होना ऐसा कुछ, ठीक है। फिर आपको कैनवा का जो भी वो है वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें, अकाउंट जो है परचेज़ करें, उसके बाद आप प्रोफेशनली इसको डिज़ाइन है। अब ये है, अब ये देखें आपको कैसे पता चलता है कस्टमाइजेशन के अंदर आप क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चेंज करना है हमने, ये इन्होंने लिखा हुआ है सेल्विया बोटैनिकल, पौधों के लिए जी इन्होंने कुछ वो बनाया हुआ है। हम लोग इसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं दी रोजेस शॉप, ठीक है। मैंने डी रोजेस शॉप लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इसको कहीं ऊपर नीचे मूव करना चाहते हैं ना, आप वो भी कर सकते हैं। देखो जैसे आप इसको छोटा करना चाह रहे हैं या आप इसका साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे मैं ये करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको कम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको ले आई यहाँ पे, कहीं पे अगर मैं लोगो के अंदर लगाना चाहती हूँ शेप तो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, ठीक है। और अगर आप इसे डाइल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, डिलीट कर लें, ठीक है। मुझे ये चाहिए था, ठीक, हमारे पास सब कुछ है प्रोसेस में, ये नहीं है तो मैंने ये यहाँ पे कहीं पे भी फिक्स कर दिया। अब ये देखिए ये लोगों का हिस्सा लग रहा है, हमने लोगों को कस्टमाइज़ लग रहा है, हमने लोगों को कस्टमाइज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है फ्लोरिस्ट, ये ठीक है, हमें यही चाहिए फ्लोरिस्ट, हम फूलों की दुकान के लिए एक लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब इस तरह से ही आप इसका ये जो राइटिंग स्टाइल आपने किया है, ये देखिए ऊपर आ रहा है ये, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये राइटिंग स्टाइल्स हैं आपके पास डिफरेंट, ठीक है। लेट्स सपोज आप कहते हैं मैंने ये करना है, तो आप इसके ऊपर जब जैसे क्लिक करेंगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपने ये करना है, ठीक है, तो वो वैसे हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको कस्टमाइज़ करें जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर लें। अब ये हो गया है लोगो, लेट्स सपोज हमारा डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं इसको करना चाहती हूँ डाउनलोड, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से जाके सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करूँगी, ठीक है। तो वो मुझे कहेगा कि ये PNG में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड, सही है, तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल बस एक स्टेप वो मांग रहा है कि आप साइन अप हो जाओ, ठीक है, अगर होना है तो हो जाओ। वैसे मैंने आपको रेकमेंड यही किया हुआ है कि आप साइन अप हो, ठीक है, आपकी जो जीमेल अकाउंट है उसके, ठीक है, उसके साथ, ठीक। अब हम यहाँ से इसे ओपन करते हैं, ओपन करके हम देखते हैं हमारा लोगो जो है किस तरह का दिख रहा है। ये देखें जी, ये आपका लोगो बन गया, डन। आपने इस तरह के 5 लोगोज तैयार करने हैं, ईच इंटरवल अलग है, हमने लोगों को कस्टमाइज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है फ्लोरिस्ट, ये ठीक है, हमें यही चाहिए फ्लोरिस्ट, हम फूलों की दुकान के लिए एक लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब इस तरह से ही आप इसका ये जो राइटिंग स्टाइल आपने किया है, ये देखिए ऊपर आ रहा है ये, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये राइटिंग स्टाइल्स हैं आपके पास डिफरेंट, ठीक है। लेट्स सपोज आप कहते हैं मैंने ये करना है, तो आप इसके ऊपर जब जैसे क्लिक करेंगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपने ये करना है, ठीक है, तो वो वैसे हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको कस्टमाइज़ करें जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर लें। अब ये हो गया है लोगो, लेट्स सपोज हमारा डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं इसको करना चाहती हूँ डाउनलोड, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से जाके सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करूँगी, ठीक है। तो वो मुझे कहेगा कि ये PNG में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है,
और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड, सही है? तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल बस एक स्टेप वो मांग रहा है कि आप साइन अप हो जाओ, ठीक है। अगर होना है तो हो जाओ, वैसे मैंने आपको रेकमेंड यही किया हुआ है कि आप साइन अप हो, ठीक है, आपकी जो जीमेल अकाउंट है ठीक है उसके साथ, ठीक। अब हम यहाँ से इसे ओपन करते हैं, ओपन करके हम देखते हैं हमारा लोगो जो है किस तरह का दिख रहा है। ये देखें जी, ये आपका लोगो बन गया, डन। आपने इस तरह के 5 लोगोज तैयार करने हैं। मनी ऑनलाइन बाय डिजाइनिंग लोगोज, सेल योर लोगोज, ठीक है। आपने क्या करना है, किसी भी साइट के ऊपर ब्लाइंडली नहीं जाना, पहले उस साइट को खोलें, उसे अच्छी तरह से देखें, ठीक है। फिर क्या करें, फिर YouTube पे उस साइट का नाम डालें और लोगों के रिव्यूज़ देखें, कमेंट्स में आ जाते हैं ना, तो कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो आपको पे कर रही हो और YouTube पे उसका डाटा ना पड़ा हो, ठीक है। YouTube पे डाटा होगा, आपने देखना है लोगों ने उसके बारे में क्या व्यूज़ किया हुआ है। अगर तो आपको अच्छे व्यूज़ मिलते हैं तो इसका मतलब है आप भी उस साइट पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करें, ठीक, और उसके बाद आप उसके ऊपर अपने लोगोस डिज़ाइन करके, हाँ जी, आप लोगों ने मतलब वहाँ पे सेल के लिए लगा देने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, जो मनी गेटवेज है ना वो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड हैं थोड़े से यहाँ पे, लाइक जैसे पेपॉल अभी पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना। तो आपने हमेशा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ऑनलाइन अगर सेलिंग का कोई काम करना है तो आपने उसके लिए वो वाली सर्विस चूज़ करनी है जो आपकी इजी पैसा या जैज अकाउंट को जो है वो लिंक कर ले, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे ही नहीं होना कि आपको आप कहेंगे मैडम हमें एक दिन में सिखा दें, ऐसे नहीं होता होता, आप खुद सीखें साइट सब। देखो, मेरा काम था आपको तरीका बताना, मैंने आपको बता दिया, अब आप उसको सर्च आउट करो, सर्च आउट करके देखो मनी ऑनलाइन बाय डिज़ाइनिंग लोगोज, सेल योर लोगोज, ठीक है। आपने क्या करना है, किसी भी साइट के ऊपर ब्लाइंडली नहीं जाना, पहले उस साइट को खोलें, उसे अच्छी तरह से देखें, ठीक है। फिर क्या करें, फिर YouTube पे उस साइट का नाम डालें और लोगों के रिव्यूज़ देखें, कमेंट्स में आ जाते हैं ना, तो कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो आपको पे कर रही हो और YouTube पे उसका डाटा ना पड़ा हो, ठीक है। YouTube पे डाटा होगा, आपने देखना है लोगों ने उसके बारे में क्या व्यूज़ किया हुआ है। अगर तो आपको अच्छे व्यूज़ मिलते हैं तो इसका मतलब है आप भी उस साइट पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करें, ठीक, और उसके बाद आप उसके ऊपर अपने लोगोस डिज़ाइन करके, हाँ जी, आप लोगों ने मतलब वहाँ पे सेल के लिए लगा देने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, जो मनी गेटवेज है ना वो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड हैं थोड़े से यहाँ पे, लाइक जैसे पेपॉल अभी पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना। तो आपने हमेशा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ऑनलाइन अगर सेलिंग का कोई काम करना है तो आपने उसके लिए वो वाली सर्विस चूज़ करनी है जो आपकी इजी पैसा या जैज अकाउंट को जो है वो लिंक कर ले, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे ही नहीं होना कि आपको आप कहेंगे मैडम हमें एक दिन में सिखा दें, ऐसे नहीं होता होता, आप खुद सीखें साइट सब। देखो, मेरा काम था आपको तरीका बताना, मैंने आपको बता दिया, अब आप उसको सर्च आउट करो, सर्च आउट करके देखो।